हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात कर करूंगा शाहरुख खान के बारे में और धूम फोर के बारे में। जी हाँ, कई दिनों से एक कयास लगाया जा रहा है कि शाहरुख खान धूम फोर में नजर आएंगे। शाहरुख खान के बर्थडे पर जब मीडिया ने सवाल उनसे पूछा कि क्या सर आप नजर आने वाले हैं धूम फोर में, तो शाहरुख खान ने इस बात से सीधी तरह से इनकार कर दिया। उनका रीजन भी बहुत ज्यादा जेन्यून था। उन्होंने सीधा सीधा क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। शाहरुख खान ने कहा, आई डिड नॉट साइन एनी फिल्म विद यशराज से, मैंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की यशराज से, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी फिल्म आनंद राय की जो डॉफ है उसमें बहुत बिजी हूँ और जितना मैं सोचा तो उससे ज़्यादा उसमें समय लग रहा है आनंद राय की फिल्म में, और मैं फोकस करना चाहता हूँ एक ही फिल्म में, क्योंकि मैं अगर दूसरी फिल्म लिया तो डेट का इशू होगा और मैं नहीं चाहता कि कैटरीना और अनुष्का की डेट खराब हो, क्योंकि अनुष्का जो फिल्म है इसके बाद सुई धागा कर रही है, उसके बाद परी फिल्म भी करने वाली है, वहीं कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ भी बिजी हो जाएंगे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, तो उनकी डेट्स वो खराब नहीं करना चाहते और इसलिए शाहरुख खान फिलहाल सिर्फ एक ही फिल्म में व्यस्त है, यानी कि जब तक वो ये फिल्म कर नहीं लेते यानी कि डॉफ मूवी, उसके तब तक वो किसी और फिल्म में हाथ नहीं डालेंगे। शाहरुख खान ने तय कर लिया है, मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है। हम भी चाहते हैं शाहरुख खान जो भी फिल्म आए थोड़ी देर बाद जरूर आए, लेकिन बढ़िया फिल्म आए। तो ये थोड़ी निराशाजनक न्यूज जरूर है कि धूम फोर में कन्फर्मेशन नहीं है फिलहाल शाहरुख खान का, लेकिन अभी तक धूम फोर के बारे में कोई खबर भी नहीं आई। शायद आगे कभी बने तो शायद शाहरुख खान उसमें नजर आए, बात की बात है। बट बहरहाल शाहरुख खान अपनी फिल्म डॉफ में बहुत ज्यादा बिजी है। वीडियो कैसे लगा आपको जरूर बताओ, जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय।